Hello students, in the last video we were discussing about the summary of hills like white elephants, and in this video I am going to start the remaining part of the summary. In the last video I have told you about some dialogues and what was the situation between two the characters जिक एंड द अमेरिकन मैन. मैंने आपको बताया था कि वे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं एक ऑपरेशन को लेकर, एबॉर्शन को लेकर. जो गर्ल है वो डिसएग्री कर रही है, वो नहीं चाहती कि उसका ऑपरेशन हो, एबॉर्शन हो, लेकिन वो जो अमेरिकन मैन है वो बार बार उसको फोर्स कर रहा है. तो लास्ट PPT में मैंने आपको, लास्ट स्लाइड पर मैंने आपको यही बताया था कि जो गर्ल है वो बार बार उसको मना कर रही है और वो बिल्कुल कंफ्यूज है, और साथ ही कई बार वो इस तरह से रिस्पॉन्ड भी करती है उसको कि वो नहीं चाहती इस ऑपरेशन को, बट अमेरिकन मैन उसको फोर्स कर रहा है. द मैन सेज ही डजंट वॉन्ट हर टू हैव द ऑपरेशन इफ़ ही डज नॉट वॉन्ट टू. अब वो मैन कहता है कि ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता कि जो है अगर वो नहीं चाहती है वो ऑपरेशन करे तो वो ना कराए, बट कंटिन्यूस टू अर्ज हर, लेकिन साथ ही उसको फोर्स भी करता रहता है टू गेट द ऑपरेशन, कि वो ऑपरेशन कराए. आर्गुइंग डैट इट्स परफेक्टली सिंपल, और अपनी बात को ये कहकर वो आर्गुमेंट कर रहा है कि इट्स परफेक्टली सिंपल, कि ये ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है. द गर्ल इवेंचुअली एग्रीज टू डू इट क्लेमिंग डैट शी डज नॉट केयर अबाउट हर सेल्फ. और जो वो गर्ल है वो एग्री तो कर जाती है, लेकिन वो क्या क्लेम करती है कि उसे अपने बारे में कोई परवाह नहीं है. टू दिस द मैन रिप्लाइज दैट ही डज नॉट वॉन्ट हर टू हैव द ऑपरेशन इफ ही शी फील्स डैट वे. और बार बार वही उसको ये ट्राई करता है कि ही डज नॉट वॉन्ट हर टू हैव द ऑपरेशन, कि वो नहीं चाहता ऑपरेशन वो कराए यदि उसको ये ठीक नहीं लगता. द गर्ल गेट्स अप फ्रॉम देयर टेबल, वो उनकी टेबल से उठ जाती है लड़की. वॉक्स टू द एंड ऑफ द स्टेशन, स्टेशन तक एंड तक एक वॉक करती है. टेकिंग इन द लैंडस्केप अराउंड हर, और साथ ही वो चारों तरफ जो लैंडस्केप है उसको देख रही है. थ्रू आर आइज द बैरन हिल्स लुक फर्टाइल, और वो देखती है उसकी आँखों में जो बैरन हिल्स हैं, सामने जो हिल्स वो देख रही है जो कि बैरन है यानी जिस पर कोई ग्रीनरी नहीं है, उसको वो जो हिल्स हैं वो कैसी लग रही है, फर्टाइल. उसको लग रहा है कि वहाँ पर ग्रीनरी है, फुल ऑफ ग्रीन एंड ट्रीज, वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन है, मतलब अनाज से भरा हुआ है, ट्रीज हैं, या रिवर फार ऑफ, एक दूर एक रिवर भी है, एंड द शेडो ऑफ ए क्लाउड, और जो वहाँ पर है वहाँ बादल हैं, बादलों की शेडो आ रही है. यानी उसे वो बैरन हिल्स यहाँ पर एक सिंबल है. वो सिंबल क्या है कि वो अपने आप, वो एक प्रेग्नेंट लेडी है तो वो ये फील कर रही है कि चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है, जबकि चारों तरफ ग्रीनरी नहीं है. द ब्यूटी ऑफ द सीन कंपेल्स हर टू रिमार्क अलाउड दैट शी एंड द मैन कुड हैव ऑब्वियस, और ये जितनी भी ब्यूटी है, जो भी सीन ब्यूटी दिखाई गई है सीन की, वो क्या रिमार्क करती है, क्या दिखाती है, डैट द शी एंड द मैन कुड हैव ऑल दिस, कि वो और वो आदमी, वो जो अमेरिकन मैन है, कुड हैव ऑल, उनके पास सब कुछ हो सकता है, यानी वो अगर अबॉर्शन ना कराएं तो वे बेबी उनके पास हो सकता है, यानी ग्रीनरी, एक तरह से उनकी लाइफ जो है वो हरी भरी हो सकती है. एंड वी कुड हैव एवरीथिंग एंड एवरी डे वी मेक इट मोर इम्पॉसिबल. साथ ही वो ये कहते हैं आपस में, लड़की वो कहती है कि हमारे पास हर चीज़ होगी, यानी यदि हम ये बेबी करते हैं तो हमारे पास हर चीज़ होगी, और जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब हमारे आसपास चारों तरफ ग्रीनरी होगी. द मैन आर्ग्यूज दैट दे स्टिल कैन हैव एवरीथिंग, और जो मैन है वो क्या आर्ग्यूमेंट करता है कि यदि तुम्हारा ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद भी हम खुश रहेंगे, हमारे चारों तरफ सब कुछ होगा. बट द गर्ल इज़ फर्म इन हर अपोजिशन, लेकिन जो लड़की है वो फिर भी अपना अपोजिशन, यानी जो वो खिलाफ है इसके ऑपरेशन के, वो फिर भी उस पर फर्म है, दृढ़ है. क्लेमिंग दैट इट इज़ नॉट अवर्स एनी मोर, और साथ ही वो ये कहती है कि इट इज़ नॉट अवर्स एनी मोर, कि हम मतलब ये अबॉर्शन के बाद, ऑपरेशन के बाद हमारा कुछ भी नहीं होगा. द मैन बैग्स द गर्ल टू सिट डाउन अगेन, वो जो मैन है वो उस गर्ल से रिक्वेस्ट करता है बैठने के लिए, नॉट टू फील डैट वे, साथ उसको कह रहा है तुम बैड फील मत करो. द गर्ल रिप्लाइज दैट शी डज नॉट फील वन वे और अनदर बट जस्ट नोज, लेकिन वो लड़की जो है वो यही कहती है कि मतलब उसे कुछ और फील नहीं हो रहा है, वो बुरा ही फील कर रही है. द मैन परसिस्ट इन आर्गुइंग इन फेवर ऑफ द ऑपरेशन, और जो वो मैन है वो फिर से उसको ऑपरेशन के फेवर में रहने के लिए ही आर्ग्यूमेंट करता है उसके साथ,
while claiming that he does not want her to do anything against her will. और साथ ही उसको ये भी कहता रहता है कि मैं कुछ भी तुम्हारी will के, तुम्हारी इच्छा के against मैं कुछ भी नहीं करूँगा. The girl in turn asks him to stop talking. वो जो लड़की है वो मतलब परेशान सी हो जाती है और उसको कह देती है बस तुम चुप रहो, उसको बात करने के लिए मना कर देती है. द मैन हाउएवर इज अनेबल टू स्टॉप. लेकिन वो जो मैन है वो बार बार बोलता रहता है बैक पैडलिंग टू से डैट इफ़ शी वॉन्ट्स टू गो थ्रू विद इट एंड ही इज़ परफेक्टली विलिंग. बार बार वही वो चीज़ कह रहा है कि जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहती हो उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ही इज़ परफेक्टली विलिंग, ये कि तुम तब भी ऑपरेशन कराओ. This only upsets the girl further, making her question whether their potential future together means anything to him. He says it does, but significantly adds that he does not want anybody but her. अब वो ये जो बात है इसको अपसेट कर देती है लड़की को बार 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 बार, मेकिंग हर क्वेश्चन. वो उससे क्वेश्चन पूछती है वेदर देयर पोटेंशियल फ्यूचर टुगेदर मीन्स एनीथिंग टू हिम, कि जब जो हमारा आगे जो होने वाला है, फ्यूचर में जो होने वाला है वो क्या सही होगा. ही सेज इट डज बट सिग्निफिकेंटली एड्स डैट ही डज नॉट वॉन्ट एनीबडी बट. वो कहता है कि हाँ सब कुछ सही होगा हमारी लाइफ में, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, इसके अलावा और किसी को नहीं. Returning the conversation to the subject of the perfectly simple operation. और बार बार वो यही चीज़ कह रहा है कि ऑपरेशन जो है वो परफेक्टली बहुत ही सिंपल है. एट दिस पॉइंट द गर्ल आस्क्स द मैन टू डू हर अ फेवर टू विच ही इंस्टेंटली एग्रीज. और फिर वो एक जो लड़की है वो उसको कुछ अपने फेवर में कुछ करने के लिए कहती है जिसके लिए वो मान जाता है. विथ सरप्राइजिंग इंटेंसिटी शी बैक्स हिम टू स्टॉप टॉकिंग. और वो उससे कहती है कि तुम अब चुप हो जाओ, मुझसे कुछ बात मत करो. द मैन डज नॉट रेस्पॉन्ड बट लुक्स एट हर देयर लगेज. अब वो आदमी फिर कुछ नहीं कहता लेकिन वो उसके लगेज की तरफ देखता है. विच इज स्टाम्प्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिकर्स फ्रॉम देयर स्टेज इन वेरियस होटल्स, जिस पर अलग अलग होटल्स का स्टैम्प लगा हुआ है. यानी वे लोग कई जगह घूम कर आ रहे हैं, कई सारे होटल्स में रुके हैं, तो उन सबके स्टैम्प्स जो हैं उनके लगेज पर लगे हुए हैं. When he eventually speaks again, he claims not to care about the operation and the girl threatens to scream. But लेकिन वो बार बार यही कहता है और वो उसको कहता रहता है कि not to care about, कि तुम ऑपरेशन के बारे में चिंता ना करो. और जो गर्ल है threatens to scream, वो जो लड़की है वो मतलब बहुत ज़्यादा डर सी जाती है. The woman appears from the bar, let the couple know that the train will be arriving in 5 minutes. अब आगे क्या होता है, वो जो वुमेन थी यानी जो वेट्रेस थी उन्हें बताती है कि जो है ट्रेन 5 मिनट में पहुंचने वाली है. Which the man translates from the girl. अब वो स्पेनिश में बोलती है तो वो अमेरिकन मैन लड़की को ट्रांसलेट करता है कि उसने क्या कहा है. The girl smiles at the waitress as though everything is fine. अब वेटरस क्योंकि उनकी बात को सुन रही थी, समझ सी रही थी क्या बात कर रहे हैं, कि इनमें बीच में आर्गूमेंट चल रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो ये दिखाने के लिए कि सब कुछ सही है वेटरस को देखकर थोड़ा स्माइल पास करती है. द मैन एक्सक्यूजेस हिमसेल्फ फ्रॉम द टेबल एक्सप्लेनिंग डैट ही शुड मूव देयर बैग्स टू द अदर साइड ऑफ द स्टेशन. अब जो वो मैन है कहता है कि अब हमें अपने ट्रेन स्टेशन से, हमें स्टेशन की दूसरी साइड अपना सामान ले जाना चाहिए क्योंकि ट्रेन पहुंचने वाली है. द मैन कैरीज द हैवी लगेज टू देयर ट्रैक्स वेयर द ट्रेन इज़ नॉट येट विजिबल. अब वो मैन जो है वो उनके हैवी लगेज को लेकर जाता है. एज ही वॉक्स बैक थ्रू द बार ही स्टॉप्स टू गेट अनदर एनिस डेल टोरो एलोन. अब जब वो जो है वापस बार में जाता है और वहाँ पर वो एक और मतलब वो वहाँ पर एनिस डेल टोरो को अकेले वहाँ पर पीता है. एज ही लुक्स एट द पीपल अराउंड हिम ही नोट्स हाउ दे वर ऑल वेटिंग परफेक्टली रीजनेबली फॉर द ट्रेन. अब वो देखता है कि वहाँ पर कई लोग जो है वो वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए. When he rejoins the girl at their table, she smiles at him. She asks if she feels better, to which she responds that she is fine and that nothing is wrong. अब लास्ट में वो वापस उस लड़की के पास आता है बार पे से और उससे कहता है कि वो कैसा महसूस करे, तो लड़की कहती है कि आई एम फाइन, नथिंग इज़ रॉन्ग. यानी यहाँ पर लड़की जो है ये फाइन का उसका कहने का मतलब है कि अब वो एग्री हो गई है एक तरह से, कि जो मैन उसको बार बार आर्ग्यूमेंट्स कर उस पर फोर्सफुली उसको प्रेशराइज करता है कि उसको क्वेश्चन करा लेना चाहिए, तो एक तरह से उसने अपने ही मन को बदल लिया है और वहाँ पर वो कह रही है डैट शी इज़ फाइन एंड नथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, वो
ठीक है, यानी अब वो उसको मानने को तैयार, मन से वो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर वो इस चीज़ को लेकर हो गई है और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।